दोस्तों, जिस राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति बनाई थी, अब मोदी सरकार उसी को लेकर फंसती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में तो जनता ने बीजेपी की रणनीति को नकार ही दिया, अब राम मंदिर को लेकर जो खबर आ रही है उससे मोदी सरकार की नैया तो डूबने वाली है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वे मंदिर में पूजा और दर्शन बंद करा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, अभी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुए कुछ ही महीने बीते हैं और मंदिर की छत पहली ही बारिश में टपकने लगी। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही बल्कि राम मंदिर के पुजारी का कहना है। समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि छत टपकने की बात मंदिर के किसी और हिस्से की नहीं बल्कि गर्भगृह की है, जहाँ राम लला की मूर्ति विराजमान है। इस मामले को खुद राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र मिश्रा ने सामने लाया है। उन्होंने ना केवल छत टपकने की बात कही बल्कि ये भी कहा कि इससे गर्भगृह में पानी भर गया है। अगर इस स्थिति को तुरंत ठीक नहीं किया गया तो आने वाले बारिश के मौसम में रामलला की पूजा अर्चना करने तक में मुश्किल आ सकती है। देखिए, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसे ऐसे इंजीनियर हमारे देश पूरे देश के आकर के यहाँ बैठे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन ये किसी को ज्ञान नहीं रहा कि पानी बरसेगा तो वह छत जो है वो चूएगा, ऐसा किसी को ज्ञान नहीं है। पहले भी बरसा रहा, थोड़ा बहुत बरसा तो थोड़े बहुत इतना नहीं हुआ, जब अब की वर्षा हुई जितना पानी गिरा अंदर में वो बहुत ही आश्चर्यजनक रहा। सुना आपने, पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत टपकने लगी, अब हर जगह निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं और अब पुजारी के दावे पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी भी शुरू कर दी है। बॉलीवुड एक्टर और फिल्म क्रिटिक्स कमाल राशिद खान ने एक्स पर लिखा है कि ये पुजारी 100% झूठ बोल रहा है। राम राज्य में कोई भी हिंदू राम जी के मंदिर के साथ भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। ठेकेदार ने स्तरीय निर्माण के साथ मंदिर का निर्माण कराया है। अगले 1000 साल तक कोई भी बारिश इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वहीं KRK ने अपने अगले ट्वीट में लिखा है कि जब ये लोग राम जी को धोखा दे सकते हैं, राम जी को ठग सकते हैं, राम जी के घर को बनाने में घोटाला कर सकते हैं, तो फिर बेचारी जनता की क्या औकात है। वहीं नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये खबर बेहद बुरी है, मन दुखी हो गया, भगवान को भी नहीं छोड़ा, जिसके नाम पर सरकार बनाई उसी के घर में सेंध लगा दी। आप सांसद संजय सिंह ने लिखा, राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शंकराचार्यों की रोकने के बावजूद आपने अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की मोदी जी? इसलिए प्रभु श्री राम ने आप लोगों को अयोध्या में हराया। इस बीच निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने छत से पानी टपकने की वजह बताई है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मैंने खुद मंदिर की पहली मंजिल से बारिश का पानी टपकते हुए देखा है। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि अभी मंदिर की दूसरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे इसकी छत पूरी तरह खुली है, इसलिए वहां पानी भर गया और छत से नीचे भी टपका। इस तरह खुले फर्श से पानी टपक सकता है, लेकिन अगले महीने के अंत तक दूसरी मंजिल की छत बंद हो जाएगी, जिसके बाद यह समस्या नहीं होगी। अभी गुरुमंडप जो है वो आप सभी जानते हैं कि वो अभी गुरुमंडप की जो छत है, गुंबज है, वो तो अभी पूर्ण हुई नहीं है, क्योंकि वह तो द्वितीय तल पे जा कर के पूर्ण होगी। तो जो द्वितीय तल पे पूर्ण होगी उसके बाद ही वहाँ का पानी जो है वो रुकेगा। आपको और आपके माध्यम से पूरी तरह आश्वस्त करना चाहेंगे कि किसी प्रकार से निर्माण में कोई भी कमी नहीं है और उच्चतम स्तर का जो निर्माण कार्य होगा वह किया जाएगा। गर्भगृह में भरे हुए पानी को मैन्युअली निकाला जा रहा है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब मंदिर के डिजाइन पर भी सवाल उठना लाजमी है। इस पर भी नृपेंद्र मिश्रा ने सफाई देते हुए कहा कि गर्भगृह में जल निकासी नहीं है, क्योंकि गर्भगृह के पानी को मैन्युअली ही अवशोषित किया जाता है। बाकी सभी मंडपों में ढलान भी है
और निकासी की व्यवस्था भी है। आपको बता दें कि राम मंदिर में अभी सिर्फ एक ही फ्लोर तैयार है, इसी पर कुल 1,800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मुख्य शिखर, परकोटा, 5 छोटे शिखर, 13 मंदिर, ट्रस्ट की ऑफिस, VVIP वेटिंग एरिया, यात्री सुविधा केंद्र, म्यूजियम, लाइब्रेरी और शोध संस्थान समेत और भी कई काम बाकी है। मंदिर के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन देखने वालों का कहना है कि बचे काम में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा भी लग सकते हैं। खैर, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।